हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक गर्म लाइन का टी फट चुका है, इसको बगैर सॉकेट का टी को चेंज करने का आसान तरीका बता। अभी टी को कट करते हैं, टी को अच्छे से ब्लेड से या ग्राइंडर से कट करें। इतना कट करना है कि पाइप ना कटे। पाइप कट जाएगा तो फिर सॉकेट लगाना पड़ेगा। कट करके इसको ड्राइवर से हथौड़ी से निकाल के अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद अच्छे से उसका सफाई करना है रेगमाल से, रेगमाल पेपर से। अच्छे से सफाई हो गई, अब लगा के टी को चेक कर लेना है सब में, कहीं रुक तो नहीं रहा, फंस तो नहीं रहा। अच्छे से सुलेशन लगा लेना, पहले राइट साइड वाले में लगाना है जो फिक्स पाइप है, और फिर नीचे वाले में लगा के दोनों पाइप में एक ही साथ सुलेशन लगा के डालना पड़ेगा कि ये पाइप फिक्स है इधर का साइड का। अच्छे से सोल्यूशन लगाना है, कहीं बाकी ना रहे। लगाने के बाद दोनों में एक साथ डाल देना है पाइप को। अब पकड़ के रखना है थोड़ी देर। ओप्स, पानी आ गया इसमें। पानी कितनी, ये चालू लाइन है ना, उधर कोई किसी ने चालू कर दिया है टूटी को। यह वाश बेसन का लाइन था। अभी हम साफ करके, अच्छे से पानी साफ करके फिर दूसरे में सोल्यूशन लगाएंगे, क्योंकि पानी में ये सोल्यूशन अच्छे से पकड़ेगा नहीं। ये गर्म लाइन है, फिर लीकेज आ जाएगा। अच्छे तरीके से सफाई करके सोल्यूशन अच्छे से लगा के फिर इसको डाल देंगे अच्छे से। थोड़ा दबा के रखेंगे थोड़े समय के लिए। क्लिप्स को लगा दें इसको। 5 मिनट के बाद लाइन चेक कर लेते हैं, कॉल के कहीं लीक तो नहीं है। लिखे सही हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।